ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। एक दिन पहले कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक शिमला में आयोजित कार्यशाला से महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए थे, ताकि अगर कोरोना से पीड़ित व्यक्ति अस्पताल में आता है तो उसे कैसे स्वास्थ्य सेवाएं देंगे और उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, ताकि कोरोना उन्हें और आसपास के लोगों पर अपना प्रभाव न डाल सके। इसके लिए जिला के चिकित्सकों को आज भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। एक दिन पहले कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक शिमला में आयोजित कार्यशाला से महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए थे, ताकि अगर कोरोना से पीड़ित व्यक्ति अस्पताल में आता है तो वे उसे कैसे स्वस्थ सेवाएं देंगे और उसे क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, ताकि कोरोना उन्हें और आसपास के लोगों पर अपना प्रभाव न डाल सके। इसके लिए जिला के चिकित्सकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई गई। अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि कुछ चिकित्सकों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए शिमला में आवश्यक टिप्स दिए गए थे। वे चिकित्सक अब जिला सोलन के अन्य चिकित्सकों को कोरोना वायरस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और उन्हें ये भी बता रहे हैं कि कोरोना से पीड़ित व्यक्ति का इलाज कैसे करना है और क्या क्या सावधानियां उन्होंने रखनी है। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों का ये प्रशिक्षण कल भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में करीबन 5 पृथक वार्ड बना दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर क्वार्टराइन केंद्रों के लिए भी भवनों को चुना जा रहा है। सेवाग पूरी रणनीति बन गई हुई है। कल शिमला में इसकी हमारी ट्रेनिंग हुई है, ये कोरोना वायरस पे वर्कशॉप थी, तो हमारे डॉक्टर्स ट्रेन होके आए हैं और आज वो ट्रेनिंग ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स और अपने नॉर्मल स्टाफ को आज वो ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं। इसके साथ ही कल हमारा ट्रेनिंग सेशन फिर होगा, जिसमें अपना रीजनल हॉस्पिटल सोलन के मेडिकल ऑफिसर्स और प्राइवेट प्रैक्टिशनर होंगे, उनको भी हम इस सारी तरह की प्रिकॉशन और इसकी ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा रीजनल हॉस्पिटल सोलन में एक स्पेशल वार्ड बहुत बड़ा हमने बना दिया है, जिसमें कि 5 कमरे हैं, 10 बेड उसमें लगे हुए हैं। उसको हमने प्योरली कोरोना वायरस के लिए आइसोलेट कर दिया है और इसके ग्लव्स, मास्क और पीआईपी किट्स जो हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में हमने दे दी है। इस ट्रेनिंग में यही सिखाया जा रहा है कि प्रिकॉशन कैसे लेनी है, और अगर जैसे फॉरेन कंट्री से पेशेंट कोई आता है उसका जैसे हमें पता लगता है उसको 14 दिन के लिए हम क्वारंटीन, मतलब घर के भी में ही हाउस अरेस्ट कर देते हैं, और अगर सिम्टम कोई भी होता है 14 दिन के में तो 28 दिन तक हम उसको उस घर में ही हाउस रेस्ट टाइप करके रखते हैं। साथ ही अब उनके ब्लड सैंपल्स वगैरह जो पहले मरीज को शिमला भेजना पड़ता था वो बंद हो गया है। अब मरीज अगर हमारे को कोई भी सस्पेक्ट लगता है तो उसके हम ब्लड सैंपल यहीं लेके और भेजेंगे पेशेंट को हम अपने आइसोलेशन वार्ड में रखें। ये प्रिकॉशंस में अभी कल डीसी साहब से वैसे बात हो रही थी, तो जितनी की मीटिंग्स हैं, आपके मेला हैं, मास मीडियाज हैं, मास जहाँ भी पॉपुलेशन इकट्ठी हो सकती है उनमें सब में बैन लग गया है। कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने एक और रिक्वेस्ट करी है कि पेशेंट्स को क्वारंटाइन करने के लिए अगर हाउस में जगह नहीं है तो हमारे को पब्लिक के लिए एक प्लेस चिन्हित करने हैं, जिसमें मैंने उनको बोला कि सर्किट हाउसेज या रेस्ट हाउसेज या टूरिज्म के होटल्स जो भी हों उनको हम चिन्हित करके रखें कि अगर हमारे को ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पर पेशेंट्स को रख सकें। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए आशुरी के साथ। नमस्कार।